आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जी आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही बढ़िया सी जगह पे जिसका नाम है द ग्रेट खली ढाबा। जी हाँ, आज हम आए हैं द ग्रेट खली ढाबा पे एंजॉय करने इनका बढ़िया सा खाना, जो कि सुनने में आया बहुत ही बढ़िया है, लेकिन स्वाद की गारंटी कहाँ मिलती है? जुबान चटोरी पे मिलती है। तो चलो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को फॉलो जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, जो जो करते हैं यार सब कुछ कर देना। तो चलो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं खाना कैसा है और क्या हमें मौका मिलता है खली जी से मिलने का। तो जी अंदर हम आ चुके हैं और अंदर आते ही हमने ऑर्डर की थी थाली, जो कि थाली भी आ चुकी है और इस थाली का नाम है द ग्रेट खली थाली। जी हाँ, ये है पूरी की पूरी थाली। इसमें हमें मिलती हैं 3 रोटियां हैं, 1 तंदूरी है और 2 हमारे पास है लच्छा परांठा। पुलाव मिलता है हमें, थोड़ा सा सैलड है, गुलाब जामुन भी अभी पहले ही देख लो, रायता है, मिक्स वेज है, पापड़ है और प्याज है, दाल मखनी है और पनीर है जो कि काजू की ग्रेवी वाला है, थिक ग्रेवी वाला, बढ़िया वाला। ठीक है, दिखने में सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। अब करेंगे इसको टेस्ट, लेकिन इससे पहले हम करें इससे टेस्ट, आप लोगों ने क्या करना है, पहले अंदर देखो यार, बढ़िया सी चीज बनाई है। अब यहाँ पे आपको बीच में एक रिंग दिख रहा है, बीचों बीच यहाँ पे फाइट नहीं होती, वैसे मैं आपको प्रिसाइजली बता दूँ, वैसे होती भी होगी लेकिन स्पेशली ये जो रिंग है वो बना हुआ है जब आपके घर पे कोई ओकेजन होता है और आप उसे सेलिब्रेट करने इस ढाबे पे आते हो। जी हाँ, द ग्रेट खली ढाबे पे आते हो, तो आप अगर आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है और अगर आप यहाँ पर शादी करते हो तो आप जयमाला वहाँ पर करोगे। जी हाँ, वो एक स्पेशली मतलब पूरा एक रिंग बनाया है उन्होंने सिर्फ इसी चीज़ के लिए। अभी हमारे एक फ्रेंड भी आए थे, उनके बेटे का बर्थडे था तो उसका बर्थडे उन्होंने बीच में बैठ के मनाया है, पूरे रिंग में पूरी फैमिली अच्छे से बैठी थी। तो अब करते हैं अपने खाने को टेस्ट। तो जी हमने पहले डाली थी रील जिसमें आपने देखा था कि हमारा हुआ था पोपट। टेस्ट तो मैं आपको बताऊंगी ही क्योंकि उसमें हमने नहीं बताया है, लेकिन पोपट क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। जो बड़ा यूट्यूबर आया था, अब नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस ही बहुत थोड़ी सी हैं इस ढाबे की, तो उन्होंने इस थाली की प्रेजेंटेशन कम्प्लीटली डिफरेंट दिखाई थी। मैं उसी को देख के आई थी, लेकिन यहाँ पर आकर के पता चला कि उन्होंने सारी चीज़ों को अला कार्ट करके एक थाली में लिया और वो दिखाया। तो जी द ग्रेट खली थाली जो है, जो आपको ओरिजिनली मिलेगी, वो मिलेगी ये वाली, पास आके एक बार देख लो, यही वाली मिलेगी। कोई ये मत सोचना बाल्टियाँ बुल्टियाँ मिलेंगी, दोज आर डिफरेंट फूड, आपका जो आइटम्स हैं उसमें दाल है, अलग चीज़ें हैं, वो सब अलग है। वो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों को अला कार्ट करके एक थाली बना के लगाया था और उसको बोला था, लेकिन नहीं, एक्चुअल थाली इज दिस वन। तो चलो अब करते हैं इसे टेस्ट। तो जी सबसे पहले करते हैं टेस्ट वेज पुलाव। और ये जो इन्होंने रेस्टोरेंट खोला खली जी ने, वो कम्प्लीटली आपका 100% प्योर वेज है और उनका कहना है कि ये सारा खाना देसी घी में बनता है, ठीक है ना। पुलाव बहुत ही बढ़िया है, इसे वेज बिरयानी भी कह सकते हैं, पुलाव भी कह सकते हैं, जो भी होता है, क्योंकि वेज बिरयानी हमारी नज़रों में तो होती नहीं है। चावल आप देख लो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का चावल यूज़ किया है और उनका कहना है कि उन्होंने ये थाली जो बनाई है वो कम्प्लीटली आपकी जो रिच फूड होता है उसके हिसाब से बनाई है। उनका खाना खैर सारा ही जो और भी लोग खा रहे हैं दिखता है, मतलब बढ़िया सा लग रहा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा है और क्या। और अब करते हैं बाकी की चीज़ें टेस्ट। तो जी अब करते हैं पनीर को टेस्ट, जो कि है शाही पनीर। शाही पनीर का मतलब बेसिकली, वैसे कई जगह पे ऑरेंज वाला मिलता है आपको और कई जगह पे ये येलो वाला मिलता है। तो बहुत से लोग जो हैं वो इसी को शाही पनीर बोलते हैं। शाही का मतलब उन लोगों से क्या होता है, रिच ग्रेवी और कमी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही रिच है, बहुत ही बढ़िया है। तो जी आप टेस्ट करते हैं दाल मखनी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, लच्छा परांठा भी बहुत ही अच्छा है और जो देसी घी का जो कहा गया है वो इस्तेमाल वाकई में लग भी रहा है। और साथ ही साथ हमें मिली है मिक्स वेज, मिक्स वेज में भी सारा कुछ है, मिक्स वेज है तो मिक्स वेज में सारा कुछ ही होगा। मैं भी ना कभी कभी पंजाबियों वाली बात कर देती हूँ, ये और वो वाली। तो जो नॉर्थ इंडियन बढ़िया वाला एंजॉय किया हमने द ग्रेट खली ढाबा पे, और जो इनकी सब्जियां हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। और अगर मैं लच्छा परांठा की बात करूं तो जो लच्छा परांठा है उसके अंदर अक्सर आपको जगहों पे मिलते देखने को मिलता है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत मैदा की क्वांटिटी होती है, पता चल जाता है, ठीक है ना। पहली बार रोटी तो हम भी नहीं खाते, लेकिन यहाँ पर प्योर आटे का यूज़ किया गया है, मतलब वो जो कहा गया ना गाँव वाला हिसाब और खाना प्योरिटी,
वो वाकई में है, और नॉर्थ इंडियन के साथ या इंडियन फूड के साथ यहाँ पर है चाइनीज़, और भी बहुत से ऑप्शन है, साउथ इंडियन भी है। इडली हमने सवेरे सवेरे नाश्ते में खाई थी इसलिए आज मैंने ऑर्डर नहीं की, है ना। अब मेरी भी इडली, मेरी नहीं पंजाबी निकल आती है, हमारे घर पे भी इडली बहुत बढ़िया बनती है ना, हमने खरीदा है जी वेट ग्राइंडर, तो उससे बनती है बहुत बढ़िया वाली इडली। लेकिन हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है चिली मशरूम, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि मैंने इन्हें कहा था जो कट पीस वाले जो चिलीज़ होते हैं ना, ग्रीन चिली जो इसमें डालते हैं तड़के के लिए, वो मत डालना, वो उन्होंने बिल्कुल नहीं डाले। और चिली मशरूम में से जो खुशबू आ रही है ना, वो बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो चलो अब करते हैं इसको टेस्ट, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, मतलब आप यहाँ का चाइनीज़ भी ट्राई कर सकते हो, और शेख हमारी मैडम ने मंगवाया हुआ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। बट चिली मशरूम तो सुपर गुड लग रहे हैं मुझे, और हमारे घर से ना ज़्यादा दूर नहीं है, करनाल वालों आ सकते हो, मतलब मैं तो आने वाली हूँ क्योंकि खाना बहुत ही बढ़िया है, और अलग अलग आइटम्स जो हमने ट्राई किए हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। चिली मशरूम तो ओए होए होए, इसने परांठे ऑर्डर किए, वैसे अगर फ्राइड राइस होते तो और भी मज़ा आ जाता, मुझे फ्राइड राइस के साथ पसंद है, बट परांठे के साथ भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। तो जी खाना किया हमने बढ़िया वाला एंजॉय, खाना वाकई में बहुत ही बढ़िया था, मुझे लग रहा था शायद सिर्फ सुनने में आ रहा है लेकिन नहीं, हमने खा के देखा और खाना वाकई में बहुत ही बढ़िया है। अब अगर हम करें बिल की बात, तो जी मिनरल वाटर यहाँ पे अवेलेबल है, दूसरा हमने पूछा नहीं वैसे है कि नहीं है, लेकिन कॉस्ट इसकी बहुत नॉमिनल लगी हुई है। और ओवरऑल अगर हम रेट की बात करें, प्राइसिंग की बात करें, तो हमने ली थी इनकी जो महाराजा थाली है वो, और हमने लिया था चिली मशरूम, साथ में हमने एक्स्ट्रा रोटीज पराठा वो भी लिए, और साथ में हमने लिया एक शेक। तो जी हमारा टोटल बिल आया है 950 से कम, 950 भी क्रॉस नहीं किया, विच इज़ डिसेंट इनफ, मतलब बहुत ही अच्छी प्राइसिंग इन्होंने रखी हुई है, क्वान्टिटी बहुत ही अच्छी है, और अगर टेस्ट अच्छा होता है तो क्वान्टिटी आपको कम ही पड़ती है, पर वो है ना बचता नहीं है जब आपके पास टेस्ट अच्छा मिलता है। तो जी आप लोग भी आएँ द ग्रेट खली ढाबा पे और इन्जॉय करें खाना, बस एक चीज़ का मलाल रह गया, क्या खली सर से बातचीत नहीं हो पाई, फ़ोटो हमने ज़रूर खिंचाई उनके साथ लेकिन लंच टाइम है तो इतना उनके पास टाइम नहीं था, वो लंच के लिए जा रहे थे, तो जैसे ही हम पहुँचे थे तो हमने फ़ोटो तो तभी खिंचा ली थी, तो वो अपने कवर पेज पे देख ली होगी, लेकिन उसमें हमारा भी तो कसूर है जी, हमारे सब्सक्राइबर ही इतने कम है ना, कितनी बार आपको बोला है कि फॉलो और सब्सक्राइब करो, फॉलो और सब्सक्राइब करो, फिर भी आप लोग नहीं करते हो, बट जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत बहुत थैंक यू है, और आई होप कि अब एटलीस्ट थोड़े से सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे और हम भी ऐसे किसी सेलिब्रिटी से मिल पाएंगे। वैसे ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ही अच्छे हैं, सबसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग स्पेशली यहाँ पे खाना भी नहीं खा रहे वो भी आ रहे हैं फ़ोटो खिंचवाने, फ़ोटो वो सबके साथ खिंचवा रहे हैं, वन ऑन वन बात नहीं हो पाई है ना, इतने बड़े हम हैं नहीं ना जो वो अपना टाइम निकाले हमारे लिए। और फाइट भी अभी शुरू होने वाली है, सैटरडे संडे यहाँ पे फाइट होती है तो उनको उसका भी थोड़ा देखना है, तो इसलिए बाकी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को फॉलो, क्या है वीडियोस को फॉलो कौन करता है, वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर करें, और क्या करना है आओ और आ करके एंजॉय करो यहाँ का यमी सा फूड और कली सर के साथ फोटोज़ खिंचवाओ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।